गुड मॉर्निंग इंडिया, ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का महेंद्रगुरु.com में और आज हम चर्चा करेंगे टॉप 5 पजल। जी हां, आप सभी जो हमारे व्यूअर्स डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, हाई स्कोर के सेशंस पर इतना बिलीव करते हैं, उन सभी को हम बताना चाहते हैं आप लोगों की डिमांड पर आज का टॉपिक है टॉप 5 पजल रिलेटेड टू IBPS RRB प्री। जी हाँ, प्री को ध्यान में रखते हुए आज पजल 5 पजल आज तैयार की गई हैं जो आपके लिए बहुत ही प्रीशियस रोल प्ले करेगी। तो सबसे पहले हर बार की तरह आपके भारी मात्रा में कमेंट आए, हमने पूरी कोशिश की आपके उन कमेंट्स का आंसर कर सके, तो उनमें से कुछ कमेंट हमने ऑप्ट किए हैं, फिर इस कमेंट को डिस्क्राइब करते हैं और फिर आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन बिल्कुल मत छोड़िएगा, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, उनके साथ कंपटीशन करिए कि आइए देखते हैं आप पहले पजल सॉल्व करते हैं या हम। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, लास्ट टाइम का स्क्रीन को जूम कर दिया जाए हम चाहते हैं सर। तो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, यहां पर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था जो स्टूडेंट को बहुत डाउट था। देखिए अमन सिंह जी ने लिखा है, सर मैटरनल आंट और पैटर्नल आंट में एक बार डिफरेंस शेयर कर दीजिए सर, और थोड़ा सा इसमें हमें कंफ्यूजन हो गया है, तो केवल 1 मिनट लगेगी आपको इसको सॉल्व करने में। अमन सिंह जी के साथ साथ काफी लोगों को ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन में डाउट था, एम आई राइट? तो हमने उन सभी मित्रों से बोला था, उन सभी स्टूडेंट से बोला था कि आप मॉर्निंग में 11 बजे मिलिएगा, क्योंकि आपके रीजनिंग में गुरु जो भी आपका डाउट होता है वो सुबह अगली क्लास में सॉल्व करते हैं हर बार की तरह, जिससे आपका फेथ हमसे बना रहता है। तो देखिए उन लोगों को जिनको डाउट था, पॉइंट था डी इज मैटरनल आंट ऑफ जे, डी इज मैटरनल आंट ऑफ जे। तो जिस भी मेंबर को डाउट था उनको हम बता दें, ध्यान से देखिए, देखिए इस पॉइंट को देखिए, डी इज मैटरनल आंट ऑफ जे कैसे? यहां पर देखिए आप, एफ यहां पर भी नजर आ रहा है और एफ यहां पर भी नजर आ रहा है। इस राइट वाले एफ का मतलब है एफ जी की वाइफ है, और इस लेफ्ट वाले एफ का मतलब है एफ क्यू और पी की डॉटर है। अब देखिए एफ का सन कौन है? जे। अगर इस तरफ से चले हम तो आपको नजर आ रहा था कि जे के फादर जी और जी की सिस्टर डी, तो नजर आया पैटर्नल। तो ये ऐसा पॉइंट था जो पैटर्नल भी था, लेकिन एफ की तरफ से चलेंगे, देखिए एफ यहां पर अवेलेबल है और एफ किसकी सिस्टर है? ई की। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एफ के ब्रदर की जो वाइफ होगी डी, वो क्या नजर आएगी? मैटरनल आंट। तो ये ऐसा पॉइंट था जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था कि आप पैटर्नल की वजह से डाउट में क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं देते हैं। तो सर यहां पर मैटरनल भी है और वो ही पॉइंट पैटर्नल भी है, तो पॉइंट को सेटिस्फाइड करना था, जिसको सेटिस्फाइड यहां पर कर दिया गया था कि डी इज मैटरनल आंट ऑफ जे। किसकी तरफ से? इस एफ की तरफ से। आगे बढ़े अमन सिंह जी, उम्मीद करते हैं अमन सिंह जी के साथ साथ बाकी जो व्यूअर्स थे उनका भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा, सही है। आगे बढ़े, देखिए भरत सिंह अधिकारी जी का कमेंट था यहां पर कि सर मैं हर बार आंसर करता हूं लेकिन मेरे आंसर आ नहीं पाते हैं, मेरे भी इस आंसर का स्क्रीनशॉट वहां दिखा दीजिए। तो उम्मीद करते हैं हम हर किसी को सेटिस्फाई कर पाए, तो यहां पर आपका भी स्क्रीनशॉट हमने लेकर यहां रख दिया है सर। गुरु सेवक जी को हमने यहां पर लिखा, इन्होंने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था एक। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए उससे पहले 1-2 कमेंट्स और हैं, कुछ व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछे यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन उनमें शादाब जी का एक कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा था कि सर पहले जो क्लासेस होती थी थोड़ा सा उसकी तरफ हम ध्यान दें, क्लासेस को लेक्चर वाइज चले। साथ ही साथ कुछ लोग इसी के साथ विकास ढिल्लन जी, अभिनव जी, साहिला मैम, बाकी लोगों का कहना था, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं आनंद मोहन जी कि सर प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही करवाइए टाइमर का। तो हम कोशिश करते हैं हर एक व्यूअर्स की सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए, कभी लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और कभी आपकी स्पीड की तरफ भी हमें मूव करना पड़ता है, क्योंकि एक्यूरेसी कब आएगी? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चैप्टर्स करेंगे, और स्पीड कब आएगी? जब आप टाइमर के साथ डील करेंगे। आगे बढ़े, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ कमेंट यहां पर भी थे जिनमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखे गए थे, ज्योति जी का, विपिन जी का, संजय कुमार जी का, जिनका कहना था सर डायरेक्शन कराइए, आनंद मोहन जी, अनुष्का शर्मा क्वेश्चन हिंदी में दिखाइए। तो सर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मौजूद होकर दिखाई देंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं अगली बार स्क्रीन पर आपके कमेंट शो किए जाएंगे। तो क्या आप सब लोग रेडी हो गए हैं पजल के लिए? अगर रेडी हो गए हैं तो यहां पर लिखिए सर वी आर रेडी। हम पहले क्वेश्चन आपके सामने दिखाएंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जी हाँ, क्वेश्चन हिंदी में भी आपके सामने प्रेजेंट होगा, इंग्लिश में भी वो होगा। आपको सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कितनी जल्दी से वो सॉल्व हो सकता है। याद रखिएगा, प्री के लिए हम तैयारी आपकी करा रहे हैं। आज 5 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो बेसिक से हाई लेवल तक होंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो गए हैं? आर यू रेडी? यस यस यस, जल्दी बताइए, आर यू रेडी? अंकित शर्मा बोले वी आर रेडी। तो लास्ट के क्वेश्चन का सेटिस्फेक्शन भी हो गया। तो चलते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन पजल से रिलेटेड आपके स्क्रीन पर ये रहा सर। तो जल्दी से देखिए, आपकी स्क्रीन ये रही आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, वी आर रेडी। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जल्दी से इसका चार्ट बना लीजिए, फिर हम आपको इसका चार्ट बनाकर दिखाएंगे। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे सर 3 लेवल वाली, 3 वेरिएबल वाली पजल कराइए, 4 वाली कराइए। तो ये छोटी पजल जो आईबीपीएस आरआरबी प्री में आ सकती है, जिसमें 4 वेरिएबल मैनेज करने हैं, नाम, डेस्टिनेशन, कार और मेल फीमेल। जी हां, छोटा सा लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व कीजिए, फटाफट आपके स्क्रीन पर आ गया है। आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, 2 से 3 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए। वेरी गुड, जल्दी से आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी सॉल्व कीजिए सर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है, जल्दी सॉल्व कीजिए, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। सर साफ साफ दिख रहा है, वेरी गुड, साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं डन। अनुराधा गुप्ता जी बोले डन, वेरी गुड अनुराधा जी। सर फोकस सही है। आकृति जी अपना सेल फोन को ध्यान से देखिएगा, आराम से नजर आएगा वो, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। पायल साहू जी डन, ज्योति जी डन, वेरी गुड। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। काफी लोग, पूनम सैनी जी नहीं आ रहा है, मोहित शर्मा जी डन, वेरी गुड, लक्ष्मी सिंह डन, क्लियर नहीं दिख रहा है। चांदनी जी एक बार फिर से चेक कीजिए, शायद आप रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए तब नजर आएगा आपको। ये वाली पजल समझ नहीं आती तो बिल्कुल योगिता जी डरिए मत, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हमें स्क्रीन पर दिखा दिया जाए जिससे हम स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर सके। सर डन डन, हर्षिता जी, सत्येंद्र जी, हिमू, भावना, मोहम्मद फरहान, निकात खान, आदित्य। अब देखिए क्वेश्चन काफी लोगों ने कर लिया है ना। अब क्वेश्चन क्या सही किया? क्योंकि अगर क्वेश्चन सही किया होगा तो उसकी वैल्यू होगी। जो यहाँ अराउंड ऑफ 1200 लोग पजल का सेशन देखने आए हैं, वरना पजल का लोग सेशन देखने बहुत कम आते हैं। ये हमारा फेथ ही है जो आप लोगों को यहाँ खींच लाता है। तो हम भी आपको निराश नहीं करेंगे। पजल स्टार्टिंग, ये छोटी सी पजल और 4 वेरिएबल की, सर 4 वेरिएबल की पजल। उसके बाद आपको सिखाएंगे इससे टफ और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है, आपको दिखाते हैं। 8 मेंबर्स ट्रेवलिंग टू 3 डेस्टिनेशन। 3 डेस्टिनेशन का नाम दिया गया है, उनके नाम ध्यान दीजिएगा, गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़। इन 3 डिफरेंट व्हीकल्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। 3 फीमेल्स अमंग देम, 1 इन ईच कार। देखिए कार भी है, जो कार के नाम लिखे गए हैं। 3 फीमेल है और हर एक कार में एक होगी। तो पहला पॉइंट यही मेंशन हुआ, हर एक कार में कितनी फीमेल? केवल 1। और बोला गया है आगे, आप देख सकते हैं जो इंफॉर्मेशन थी, कि 3 सिटी है, 3 व्हीकल है और 3 फीमेल है और हर एक कार में 1 फीमेल है। आगे लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 पर्सन। मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? एक कार में 2। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? याद रहे यहां पर मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, 2 4 करके, या फिर 2 3 3 भी जा सकता है। एटलीस्ट 2 होने चाहिए। तो 1 1 मेल जरूर होगा। मेल के लिए स्क्वायर बना लिया हमने, फीमेल के लिए सर्कल। हम चाहते हैं स्क्रीन पर हमें दिखा दिया जाए, स्क्रीन पर हमारी टीम हमें शो करे जिससे स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो पाए हम, हमें शो किया जाए। यहां तक समझ में आया? सर्किल फीमेल को डिनोट कर रहा है, स्क्वायर मेल को। एटलीस्ट 2 हर एक में होंगे, तो 2 3 6। अब जो 2 बच गए हैं, हो सकता है वो किसी एक ही कार में आ जाए, या फिर बचे हुए 2 किसी 2 कार में 1 1 करके आ जाइए। ध्यान रखिएगा, ये मत बोलिएगा एटलीस्ट 2 है तो मैक्सिमम 3 जाएगा। तो मैक्सिमम 4 भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, आगे मूव करें। अब देखिए आई इज लिखा हुआ है, आई इज नॉट ट्रेवलिंग विद जे एंड डी, पॉइंट को साइड में स्टोर कर लीजिए क्योंकि अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। सही, आई इज नॉट ट्रेवलिंग विद जे एंड डी, आई जे और डी के साथ नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जी इज ए मेल इज ट्रेवलिंग विद ओनली ए, ये पहला की पॉइंट। जी एक पुरुष है जो केवल ए के साथ यात्रा करता है, तो हमने लिखा जी पुरुष है जो केवल ए के साथ यात्रा करते, तो ए कौन हुई सर? फीमेल हुई। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, केवल ए के साथ यात्रा करता है और वो खुद एक मेल है, तो उसके ग्रुप में जो भी मेंबर होगा वो होगा फीमेल। पॉइंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इस ग्रुप में कोई और मेंबर नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ड मेंशन किया गया था ओनली। सही है, आगे बढ़ते। देखिए लिखा हुआ दे आर नॉट ट्रेवलिंग टू नोएडा, अगर ये नोएडा नहीं जा रहे हैं तो कहां जाएंगे सर? या तो गाजियाबाद या फिर हापुड़। सही है, आगे मूव करते हैं। के इज ट्रेवलिंग इन बीएमडब्ल्यू टू हापुड़, अगर के बीएमडब्ल्यू से हापुड़ जा रहा है या जा रही है तो ये मेंबर कहां जा रहे होंगे? गाजियाबाद। तो इसको हम लिख लेते हैं हापुड़, लेकिन के मेल है या फीमेल है ये हम अभी नहीं जानते हैं, तो के का ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला, लेकिन के मेल आएगा फीमेल आएगा अभी डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, एच सिस्टर ऑफ के एंड ट्रेवल्स बाय ऑडी। अब देखिए इस ग्रुप में तो कोई और मेंबर आएगा नहीं, और ये कौन सी कार से जा रहे थे? यहां पर लिखा हुआ था, लिखा हुआ था के इज ट्रेवलिंग इन बीएमडब्ल्यू, तो इसकी कार थी बीएमडब्ल्यू। सही है, और कहां जा रहे थे? हापुड़। एच सिस्टर ऑफ के ट्रेवल बाय ऑडी, तो ये बीएमडब्ल्यू हो गई, तो ये तीसरी कार कौन सी होगी? ऑडी। और फीमेल कौन होगी? एच। और कौन सी जगह जाएगी? गाजियाबाद एक हो गया, हापुड़ एक हो गया, तो तीसरा होगा नोएडा। सही है बात। और फीमेल कौन हो गई? एच। तो इस ग्रुप में जो भी मेंबर आएगा वो कौन होगा सर? मेल होगा। आगे बढ़े। अब देखिए आखिरी पॉइंट पर आ गए हैं, ई और आई साथ में जाएंगे, तो इसका मतलब जहां पर आई जाएगा उसके साथ ई भी जाएगा, और जिनके साथ आई नहीं जाएगा उनके साथ ई भी नहीं जाएगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिएगा। आगे मूव करें। चलिए देखिए डी डजंट ट्रैवल टू नोएडा, अगर डी नोएडा नहीं जाएगा तो डी इस ग्रुप में जाएगा, लेकिन ये मेल है फीमेल है नहीं डिटरमाइन, तो यहां पर डी का भी नहीं डिटरमाइन और के का भी नहीं डिटरमाइन, और बोला गया है जहां डी जाएगा वहां ई और आई नहीं जाएंगे। इसका मतलब ई और आई कहां जाएंगे? ई और आई इस ग्रुप में जाएंगे, और दोनों क्या होंगे सर? मेल होंगे, क्योंकि इस ग्रुप में ऑलरेडी एक फीमेल आ चुकी है। एक कार हो गई ऑडी, एक हो गई बीएमडब्ल्यू, तो तीसरी हो जाएगी सर फरारी। सही है, और एक मेंबर बचा था जे जो जाएगा इस ग्रुप में। रीजन है ई और आई जे डी के साथ नहीं जाते, तो इस ग्रुप में जे नहीं जाएगा, तो जे कहां जाएगा? इस ग्रुप में। सही है, लेकिन जे मेल है फीमेल है ये नहीं मालूम। सही है, तो किस किस मेंबर का ये चार्ट बना वो बिल्कुल सही होगा। चार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट ग्रुप में गाजियाबाद कौन जा रहा है? ए जो फीमेल है, जी जो मेल है, और उनकी कार का नाम है फरारी। सेकंड हापुड़ कौन कौन जा रहा है? डी, जे और के। इन तीनों में से किसी का भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है सर। ठीक है, आगे मूव करें। और इनकी कार का नाम है बीएमडब्ल्यू। लास्ट ग्रुप जो नोएडा जा रहा है और ऑडी से जा रहा है वो एच जो फीमेल है, ई और आई जो मेल है। अगले क्वेश्चन पर मूव करें। क्या आप लोग तैयार हो गए हैं? बिल्कुल। अतुल लवानिया जी बोले करेक्ट, जिसका राइट था वो यहां पर लिखे। अर्चना जी बोले करेक्ट, वेरी गुड। राकेश 100% सही। नेहा चावला सर नेक्स्ट, ऐसे ही बनाया, वेरी गुड। तो धीरे धीरे प्री के लिए आप तैयार हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार? आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में लेंथी हो सकता है या इसी तरह का ट्रिकी हो सकता है। सर्कुलर में आ सकता है, रो में आ सकता है, डेज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तैयार हो जाइए क्योंकि पजल को सही से करने का तरीका हम सिखाएंगे। रेडी? तो फिर क्वेश्चन दिखाया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, और फिर बताइएगा आपने सही किया या गलत। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से ध्यान दीजिएगा, ए बी डी क्यू टी डब्ल्यू एंड वी, वर्किंग इन अ कंपनी, 7 मेंबर वर्किंग इन अ कंपनी फ्रॉम मंडे टू संडे, तो नाम अरेंज करना है। डेज अरेंज करने हैं और इनकी हॉबीज ये अरेंज करनी है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जल्दी से बताइए क्या आने वाला है क्वेश्चन, चार्ट बनाइए फिर बताइएगा आपने सही किया या गलत। फटाफट जल्दी से, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेडी तो आपने लिख दिया, जल्दी सॉल्व कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन 100% नहीं 200% एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आप प्री के बाद हमें मिले तो बताइएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन आया नहीं आया। विमल जैन जी, हम अभी आपको सिखाएंगे टाइम कम कैसे लगे, कि किन छोटे छोटे बेसिक्स पॉइंट्स का ध्यान देना जरूरी है। जल्दी से करिए सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट। हिंदी में भी क्वेश्चन बताते मोहम्मद आरबी जी, हमने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है और एक ही साथ एक्सप्लेन करना फिर मुश्किल हो जाएगा सर और टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। उम्मीद करते हैं हिंदी में इस बार बोलते तो हिंदी में ही आपको समझ में आसानी से आएगा। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। 1300-1400 मेंबर्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उनमें कौन जल्दी से सॉल्व करेगा इसको देखना होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको सॉल्व करना है आपको विद इन 2-3 मिनट्स। तो जल्दी से कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फिर हम सॉल्व करके दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मोहम्मद अफ्ताब जी बोल रहे हैं, अनुराधा गुप्ता जी डन, मोहित शर्मा डन, रश्मि कुमारी डन, मोहित शर्मा डन, अविराल कुमार यस, शेखर राहुल जी सही है। हिंदी में मंडे टू फ्राइडे लिखा है, अच्छा तो बिल्कुल बहुत सही पॉइंट गेन किया, यहां पर सही कर लीजिएगा। यहां सोमवार से शुक्रवार नहीं, सोमवार से रविवार है, तो बिल्कुल यहां संडे कर लीजिएगा, यहां पर शुक्रवार की जगह इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। हिंदी में सॉल्व करने वाले व्यूअर्स ध्यान दे, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पर शुक्रवार नहीं रविवार है, सोमवार से रविवार तक, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लग गए होंगे और आशा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा होगा। तो हम स्लाइड दिखाते हैं इंग्लिश वाली, फिर आपके साथ साथ हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे किस पॉइंट का ध्यान देते तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता। सर हो गया, वेरी गुड। चलिए अब स्क्रीन पर हमें शो कर दिया जाए, हमारी टेक्निकल टीम, हम चाहते हैं हम स्टूडेंट से जुड़ जाए। वेरी गुड, गुलशन कुमार डन, संजय रावत जी डन, कंप्लीट, वेरी गुड। क्वेश्चन आफरीन शिल्पी जी, हाँ शुक्रवार नहीं रविवार कर लीजिएगा, ठीक है, कभी कभी आप लोगों की तरह हम भी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, हम भी आप लोगों की तरह ही छोटे से ह्यूमन बींग डन। प्रीति कुमारी डन, रेडी हो गए हैं। टाइमिंग अंकित गुप्ता जी बोले सर टाइमिंग गलत हो गई, मतलब वो शायद लेट हो गए हैं, चार्ट बनाना नहीं आ रहा, तो बिल्कुल अब देखिएगा इन्हीं छोटे पॉइंट्स को टैकल करना है। सही तो हर लोग कर लेते हैं, छोटे क्वेश्चन भी हर लोग करते हैं, लेकिन लेंदी जब आता है तो डील करने में जो दिक्कत आती है उन्हीं से हमें बचकर बाहर निकलना है। तो रेडी हो जाइए, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करने देखिए। ABDQTWB वर्किंग इन अ कंपनी फ्रॉम मंडे टू संडे। जैसे ही मंडे टू संडे लिखा तो मंडे टू संडे लिख लीजिएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सबसे पहले जो पॉइंट आता रहे लिखते रहे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है। अब यहां पर हम इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, जो कि यहां पर आपको दिक्कत होती है। देखिए इसको स्टाइल से देखते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, अगर हम पेन से करते तो बहुत जल्दी से इसको खत्म कर देते, ठीक है। आप की पॉइंट का ध्यान दीजिएगा, तीन चीजें आपको मैनेज करनी थी, तीन चीजें मैनेज करनी थी, सॉल्व करें आप। अब लिखा हुआ है ईच पर्सन वर्क ओनली वन डे विद डिफरेंट हॉबीज, नॉर्मल है, हॉबीज के नाम लिखे हैं बट नॉट इन ऑर्डर। टी इज नॉट वर्किंग ऑन वेडनेसडे, टी वेडनेसडे को वर्क नहीं करेगा, कैंसिल कर दिए। कैंसिल करना बहुत जरूरी है, जो चीजें नेगेटिव हो तुरंत लिखे, जो पॉजिटिव हो उसको लिखे, सही है। हम सिखा रहे हैं यशोधन जी, आप यहां ध्यान दीजिए कि अगर आपसे नहीं हुआ तो आप जल्दी कैसे सॉल्व करना बताते हैं। Wednesday and Saturday and has a hobby of rooming. अब Wednesday को भी टी नहीं है और Saturday को भी टी नहीं है, और हॉबी क्या है टी की, जहां पर भी टी आएगा वहां पर रूमिंग एक हॉबी आ जाएगी, सही है। तो ये दोनों कहां चलेंगे, ये दोनों साथ में ही चलेंगे, सही, टी और रूमिंग साथ में चलेंगे। आगे मूव करते हैं, लिखा हुआ है वी इज वर्किंग ऑन फ्राइडे बट डजंट हैव सिंगिंग एज ए हॉबी। वी फ्राइडे को वर्क करेगा लेकिन सिंगिंग हॉबी इसकी नहीं होनी चाहिए सर। आगे बढ़े तो ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया। द पर्सन हु हैज हॉबी ऑफ रीडिंग इज वर्किंग ऑन मंडे। तो मंडे को वो मेंबर आएगा जिसकी हॉबी रीडिंग होगी सर। तो नॉर्मल पॉइंट लिख दिया, सॉल्व करते रहिए जो भी पॉइंट आ रहा है और आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। बस तुक्के मत लगाइएगा, सही है। आगे मूव करें। अब देखिए, द पर्सन हु वर्क्स ऑन थर्सडे डज नॉट सिंग, मतलब थर्सडे वाले के सामने भी सिंगिंग लिखकर क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, गलत कर दीजिए कि यहां पर सिंगिंग नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। Q has writing hobby, whereas W works on Tuesday. अब देखिए Q writing hobby ये भी साइड में लिख लेते हैं, जहां पर Q आएगा वहां पर writing hobby आएगी, सही है। और आगे लिखा हुआ था W work on Tuesday, तो W किस जगह आ जाएगा, Tuesday के सामने आ जाएगा। The one who has a hobby of gardening work immediately before the one who has hobby of sports, मतलब गार्डनिंग वाला किसके तुरंत पहले आएगा, लिख लेते हैं यहां पर, गार्डनिंग वाला तुरंत पहले आएगा, किसके, नाम लिखा गया है स्पोर्ट्स के। तो इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों साथ में चलेंगे, सही है। अभी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज हम नहीं कर पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। नीदर डब्ल्यू नॉर वी हैज अ हॉबी ऑफ गार्डनिंग एंड स्पोर्ट, मतलब डब्ल्यू के सामने भी गार्डनिंग और स्पोर्ट नहीं आएगा और वी के सामने इस ब्लॉक में भी गार्डनिंग और स्पोर्ट नहीं आएगा। देखिए जितना सफाई से आपको करना है वो आपके हाथ में है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसा ही आने वाला है सर। आगे मूव करें, चलिए आगे देखिए, केवल दो पॉइंट बचे और क्वेश्चन खत्म। डी डजंट वर्क ऑन सैटरडे, तो डी सैटरडे को भी नहीं आएगा, मतलब एक यहां पर टी नहीं आएगा, एक यहां पर डी नहीं आएगा। आगे मूव करते हैं, आखिरी पॉइंट पर आ गए। 5 day गैप बिटवीन द वन हु हैज ए हॉबी ऑफ रीडिंग एंड बी, तो रीडिंग वाला सबसे ऊपर था, 5 days का गैप करना है, तो 1 2 3 4 5 और यहां पर क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा बी। अब क्वेश्चन तो यहां से पूरा पढ़ लिया, हम हटा रहे हैं इसको, क्वेश्चन तो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। वापस कैसे जाए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन तो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, बस थोड़ा सा। क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अब छोटा सा इसको कंप्लीट करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं। जल्दी से फटाफट, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया है, एक बार देख लेते हैं, बस 1 सेकंड रुकिए, हम आते हैं। बस सॉल्व होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, अभी इसको लेके आते हैं फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सारा वो बिल्कुल हट चुका है। तो इसको उम्मीद करते हैं हो गया होगा आपका, अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं वरना स्क्रीनशॉट लेकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। चलिए तो इसको उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं, ये वाला है ना, क्योंकि सारा तो आपने सीख लिया था, तो कुछ बचा तो था नहीं उसमें लास्ट में, सही। क्या इसको फिर से सॉल्व किया जाए, हमारी टेक्निकल टीम हमें शो कर दे, शो करिए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया था वो पूरा सॉल्व हो गया, सॉल्व करने की नीड तो नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, थोड़ा सा। देखिए कभी कभी टेक्निकल इश्यू हो जाता है जिससे चीजें पूरी होने के बाद भी चली जाती है, तो अगर आप डिमांड करेंगे हम फिर से सॉल्व करा देंगे, वरना लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सही है यथार्थ जी। आगे मूव करें, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व दिखाएं। आदित्य राठौर जी बोल रहे नेक्स्ट, आप बोलेंगे तभी आगे चलेंगे, लास्ट तक हो गया था, दिक्कत लगे तो फिर हम परसों मिलेंगे, आप बता दीजिएगा तुरंत सॉल्व करेंगे। चले अगले क्वेश्चन पर, रेडी, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों की डिमांड की वजह से ही हम ये चीजें करते हैं, तो और आप बोल रहे हैं नेक्स्ट चले, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो करते हैं, किसी भी मेंबर को दिक्कत लगे जरूर पूछे, हम अगली बार फिर उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है, वरना टाइम आपके दूसरे क्वेश्चन में आपका लग जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हो गया नेक्स्ट 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 करें ना, रेडी ना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलिए देखिए ये रहा तीसरा क्वेश्चन, हिंदी में भी मौजूद है इंग्लिश में भी मौजूद है, इसको सॉल्व करना कोशिश करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो एक दो जो लोग मेंबर रह गए हैं वो जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए उसको डाउनलोड कर लें, सॉल्व करके देखें, दिक्कत लगे तो अपनी रीजनिंग गुरु से जरूर पूछें। सही है। तो फिलहाल तीसरा क्वेश्चन जिसके प्री में आने के चांस है आपके स्क्रीन पर मौजूद है, उसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। 1400 मेंबर्स देख रहे हैं, उन लोगों को सॉल्व करने का मौका हम दे रहे हैं, तो बिल्कुल जल्दी सॉल्व कीजिए। कुछ लोग, एक दो लोग जो रिपीट बोल रहे हैं, इतना तो अपने सर की बात मानिए कि वो ऑफलाइन हो, एक्चुअल में वो चला गया था वहां से पूरा सॉल्यूशन, तो आप आराम से उसको सॉल्व कीजिए। नहीं होता तो डेली की तरह अगली क्लास में सबसे पहले वही पजल सॉल्व करेंगे। दिक्कत की बात क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आ चुके हैं राजकुमार जी, वेरी गुड। लीला कुमारी जी, वीडियो ऑफलाइन हो जाए तो उसको सॉल्व करके तो देखिएगा, है ना, हो जाएगा सॉल्व, करिए मत, पूरा सॉल्व कर ही दिया था वो, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। त्रिपाठी जी, श्रीकांत श्रीवास्तव जी, पिंकी रजत, लास्ट सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करिए आप। गौरव चौधरी, नमन खान बोल रहे, गो सर आगे अगले चले, रिपीट करें उसे क्या, नहीं रिपीट वाले लोग बहुत कम है, तो इसको बताइए जल्दी से आंसर क्या आ रहा है। चलिए अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में उसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, अगर टाइम बचेगा उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेंगे। गोविंद जी का एग्जाम 9 सितंबर को है, तो ये सभी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपका एग्जाम है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पजल के आपको प्रोवाइड किए जाए, जिससे एग्जाम में आप क्वेश्चन के स्कोर ज्यादा कर पाए। जल्दी सॉल्व करिए। जब फेस नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट इनसाइड मान लीजिए, बाय डिफॉल्ट आउटसाइड मान लीजिए, आंसर एक ही आएगा, बाय डिफॉल्ट इनसाइड या बाय डिफॉल्ट आउटसाइड। ग्रेट हो सर आप, थैंक यू, जल्दी सॉल्व करिए। चलिए देखिए, कहीं मत जाइए, इसके बाद जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको वो कहीं ना कहीं और टफ होंगे, जिसमें 3-4 वेरिएबल आएंगे आपके सामने, तो क्वेश्चन सॉल्व करें आप। डन डन डन, बन गया। शंकर शाह जी बोल रहे बन गया सर, सर मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट है। अरे कोई बात नहीं, इतनी प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे। टेक्निकल टीम हम चाहते हैं हमें शो कर दिया जाए स्क्रीन पर, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। चलिए स्विच करते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका देवेंद्र जी हम सिखाएंगे। तो वो लोग जिनका लास्ट वाला क्वेश्चन किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया था, वो भी घबराए नहीं, आपको आपके सर कभी नहीं छोड़कर जाएंगे, ठीक है। दिक्कत आपको लगे कोशिश कीजिएगा, नहीं होता तो हम यहाँ है, डरने की क्या बात है, परसों फिर मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर परसों वाला क्वेश्चन जो सेकंड था उसको फिर से कीजिए। तो सबसे पहले से आज ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किया था, तो अगली बार परसों अगर यहां पर कमेंट आएंगे लोगों के तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अपोजिट 1 और 7 में दिक्कत आ रही है, चलिए अभी बताते हैं, ध्यान से सीखिए कैसे सॉल्व करना है। उन्हें दिक्कतों को दूर करने के लिए आपके रीजनिंग महागुरु 1400 मेंबर्स के सामने पजल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और कहीं मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन और ट्रिकी और टफ होने वाला है, जिसमें हाइट की भी बात होगी, सही है, तो ध्यान दीजिए। चलिए 8 मेंबर्स सिटिंग इन अ सर्कल, डिफरेंट बाइक वो पसंद कर रहे हैं, लिखा हुआ है सीबीजी, फिर से लिखा हुआ है सीबीजी, आप देख सकते हैं यहां पर सीबीजी फर्स्ट नाम था, सेकंड नाम था आपका क्रक्स, थर्ड नाम था R15, ठीक है। मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 3 लाइक ए सिंगल बाइक, सही है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। 8 मेंबर है, हमने सर्किल बना लिया 8 मेंबर का, सही है, और लिखा है मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, पूरे के पूरे पॉइंट को एक साथ ही पढ़िएगा, जब पॉइंट पढ़ते हैं तो 1 by 1 पूरा पॉइंट पढ़िएगा। लिखा हुआ है ए सेट थर्ड लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन हु लाइक्स क्रक्स, तो जो भी मेंबर ए है वो किसके थर्ड लेफ्ट में है, उस मेंबर के जो क्रक्स पसंद करता है, ठीक। आगे मूव करते हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ बी लाइक सीबीजी, बी के दोनों पड़ोसी क्या पसंद करते हैं, सीबीजी। हमने कहा था पूरा पॉइंट साथ में पढ़िएगा, जो भी पॉइंट है, पॉइंट में जब लिखा होता है, ट्रिक यही है, छोटी छोटी ट्रिक को ही कैरी करना है, जो पॉइंट्स में आते हैं उनको साथ में लेकर चलना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, Immediate neighbor of B likes CBG, A doesn't like CBG, A के सामने लिख लेते हैं, को क्या नहीं पसंद, CBG नहीं पसंद। आगे मूव करते हैं, लिखा हुआ है बी डज नॉट लाइक क्रक्स, मतलब बी यहां नहीं आएगा। इन छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखते हैं। आगे लिखा हुआ था ये देखिए इमीडिएट नेबर ऑफ बी लाइक सीबीजी। अब देखिए यहां सीबीजी नहीं आएगा, यहां बी नहीं आएगा, तो इस जगह पर नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो बी यहां तो आ सकता है, बी यहां, तो सीबीजी वाला पहला मेंबर इधर और दूसरा वाला इधर। क्या कोई और चार्ट भी बन सकता है? तो ये ध्यान देना होगा, एक और चार्ट बन सकता है इन्हीं कंडीशन को लेकर। वो क्या चार्ट है? देखिए ए यहां पर, क्रक्स वाला यहां पर, और बी इस बार वहां ना रखकर यहां, और उसके दोनों नेबर क्या आ जाएंगे? सीबीजी और सीबीजी। सही है, याद रखिएगा ए के सामने क्या नहीं आना चाहिए? सीबीजी नहीं आना चाहिए, ठीक, और बी यहां नहीं आना चाहिए, बी वैसे भी यहां नहीं है। थर्ड पॉइंट पर आ गए हैं, only two member between like R15 and they are sitting opposite to each other। तो इस पॉइंट को बना सकते हैं, चेक करते हैं। केवल दो ही व्यक्ति को R15 पसंद है, लिखा हुआ है, सही है, ठीक, केवल दो ही व्यक्ति को R15 पसंद है और वो भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, ठीक है। तो देखिए इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ओनली टू, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया सीबीजी में भी थ्री मेंबर होंगे और क्रक्स वाले में भी। Only two members like R15 और वो भी अपोजिट बैठे हैं। देखिए R15 यहां आ सकती है और इसके अपोजिट R15 आ सकता है, एक तो ये पॉइंट है। R15 यहां और इसके अपोजिट R15, तो एक तो यहां से CBG हटाएं, CBG हटाएंगे हम, तो यहां पर कितनी कंडीशन निकल कर आ सकती है सर? यहां पर कंडीशन निकल कर आ सकती है हमारी R15 यहां और एक R15 इसके अपोजिट, या फिर इसी का दूसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा आपको। हो सकता है ये चार्ट गलत हो और दूसरा सही हो। ए यहां, क्रक्स यहां, देखिए हर एक कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा, तुक्के में क्वेश्चन मत कीजिएगा, तभी क्वेश्चन गलत होता है जब हम तुक्का लेकर चलते हैं। अब देखिए R15 यहां और इसके अपोजिट वाला R15 यहां पर भी आ सकता है, और तीसरे चार्ट में केवल एक ही कंडीशन है जहां R15 आ सकता है, यहां और इसके अपोजिट R15। अगला पॉइंट, E sits between F and G and likes R15। कौन R15 पसंद करता है? E, तो E R15 पसंद करता है और F और G के बीच में। अब देखिए पहले चार्ट की बात करें तो पहले चार्ट में E यहां लिख दें हम, E हमने यहां लिखा, R15 पसंद है और किसके बीच में है? F और G के, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? F और G, सही है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, E किस किस के मिड में आना चाहिए? F और G के, और E को क्या पसंद होना चाहिए? R15। आगे मूव करें, आगे इधर वाले चार्ट में देखिए E F और G के बीच में होना चाहिए, तो E यहां पर आ गया, आ सकता है, और F और G के बीच में, F और G इधर भी और F और G इधर भी, सही। आगे चले इधर वाले चार्ट में, अगर E को यहां लिखे तो F और G नहीं आएगा, तो ये आपका थर्ड वाला चार्ट हुआ कैंसिल आउट, सही है। तो पहले इसको साइड से हम हटा देते हैं, देखिए, तो इसको रेस कर देते हैं यहां वाले चार्ट को, सही है। तीसरा चार्ट हुआ आपका एलिमिनेट, और ऊपर वाले दोनों चार्ट में से एक चार्ट सही होगा। आगे मूव करते हैं पांचवें पॉइंट पर, F डज नॉट लाइक क्रक्स। अगर F को क्रक्स नहीं पसंद है तो यहां पर क्या रह जाएगा सर? यहां पर रह जाएगा G और यहां पर क्या आ जाएगा? F। ध्यान दीजिएगा, F डज नॉट लाइक पजल, F डज नॉट लाइक क्रक्स। आगे चलते हैं इधर वाले चार्ट में, यहां पर F नहीं आएगा तो यहां G आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? F आ जाएगा, सही है। F does not like crux। केवल दो पॉइंट बचे और आपकी पजल खत्म, और इसके बाद वाली पजल होगी आपके लिए की पॉइंट। देखते हैं उसको सॉल्व कर पाते हैं नहीं। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पर, C sits सेकंड टू राइट ऑफ D, C D के सेकंड राइट है। अब देखिए एक मेंबर आ चुका है, दो मेंबर आ चुके, ये F है, 3, 4 और 5। अब बोला C सेकंड राइट है D के, तो यहां तो आएगा नहीं, तो यहां C आएगा और किसके सेकंड राइट आएगा? D के। उधर चलते हैं, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर और पांच मेंबर, सही है। तो यहां पर C सेकंड राइट D के, तो C यहां पर, D यहां पर, D का सेकंड राइट C। केवल एक मेंबर बच गया, देख लेते कौन सा, A B C D E F G H, तो E F G हो गए, केवल एक मेंबर बचा H यहां और एक मेंबर बचा H यहां, तो मतलब चार्ट तो पूरा हो गया है। आखिरी पॉइंट बचा है, देखना है कौन सा वाला चार्ट सही रहता है। A likes crux whereas H likes CBG। A को क्रक्स पसंद है, जबकि यहां देख सकते हैं A को क्या पसंद है? R15, तो ये गलत, तो ये चार्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए लाइक क्रक्स और एच लाइक सीबीजी, तो एच को क्या पसंद है सर? सीबीजी। अब देखिए R15 पसंद है एक E को और एक B को, सीबीजी पसंद हुई D को, C को और आपका सीबीजी पसंद होगी। तीसरा मेंबर में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एक सर्किल में एक बाइक को मैक्सिमम 3 लोग पसंद कर सकते हैं और क्रक्स वाले कितने, सीबीजी वाले कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। तो यहां पर जो मेंबर F बच गया है वो किसको पसंद करेगा सर? क्रक्स को। सही है, चले आगे। नहीं सॉरी, F यहां पर किसको पसंद करेगा? सीबीजी को। ठीक, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अब देखिएगा यहां पर मिनिमम 3 मैक्सिमम, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 बोला गया था, तो क्रक्स क्रक्स क्रक्स। लेकिन यहां पर ध्यान देना होगा पॉइंट का, जो पॉइंट यहां पर था वो ये था, इस वाले पॉइंट को देखिए मैक्सिमम 3 लाइक अ सिंगल बाइक, तो ये पॉइंट हमारा यहां पर नहीं होगा, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंट अगर होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। फिर से ध्यान दे, मैक्सिमम 3 लिखा था पर ऐसा यहां पर नहीं है शायद, देख लेते हैं और एक और बार। तो सीबीजी यहां पर आएगा, क्रक्स आएगा, देख लेते हैं। सीबीजी 1 हो गया है, सीबीजी 2 हो गया है, सीबीजी 3 हो गया है, क्रक्स 1 हो गया है, क्रक्स 2 हो गया है, क्रक्स तीसरा यहां पर आना चाहिए, तो यहां पर आपका क्रक्स ही आएगा। तो एफ लाइक क्रक्स, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट लू पॉइंट है यहां पर, उम्मीद करते हैं इस पॉइंट। देखिए इस वाली पजल में लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत हो गया है क्योंकि जो कंडीशंस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग चार्ट फुलफिल हो ही नहीं पाएगा सर। तो चार्ट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाता है जो आपसे ना बन पाए। अब देखिए कंडीशन जितनी दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग चार्ट हमारा नहीं बन पाएगा, याद रहे। तो क्वेश्चन जिन्होंने भी किया है याद रहे, यहां पर जितनी कंडीशन दी गई है उनके अकॉर्डिंग यहां पर आप क्रक्स लिख दोगे क्योंकि 3 तो हो गया, एक क्रक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा पॉइंट को, कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो भी सीखने को पॉइंट मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन गलत हुआ लेकिन पॉइंट सीखने को क्या मिला? हमसे बोला गया था मैक्सिमम 3 लाइक कर सकते हैं सिंगल बाइक, सही है बात, मैक्सिमम 3। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए सीबीजी 1 हो गया, सीबीजी 2 हो गया और सीबीजी 3 हो गया और श्रूमिक पॉइंट बोला गया था ये वाला, एफ लिखा हुआ था, F को क्रक्स नहीं पसंद। अब देखिए R15 ये हो गया, R15 ये हो गया, तो ये जो मेंबर बचा वो गलती से क्रक्स ही आता, लेकिन क्रक्स तीसरी बार नहीं आ सकता क्योंकि लिखा हुआ है F को क्रक्स नहीं पसंद। तो जिन भी मेंबर ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है शायद उन्होंने फिर से गलत कर दिया है, सही है, याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग पजल सर, थैंक यू। तो कभी कभी गलती से भी आप गलत ना करें, तो क्वेश्चन यहां पर गलत पॉइंट लिख गया था लेकिन वो आपको चीजों को सिखाने में मदद करेगा, सही है। आज छोटी सी मिस्टेक हो गई है एक, लेकिन उससे भी बिल्कुल भरत सिंह जी बोलिए तुक्के में सही मार दिया। तो जिन लोगों ने तुक्के में क्वेश्चन सही कर दिया वो ध्यान दें, यहां पर हमसे गलती हुई मानते हैं, आई एडमिट माई मिस्टेक कि हमने पीपीटी को पूरा लुक आफ्टर नहीं किया वहां पर, लेकिन फिर भी आपको एक ब्रह्मास्त्र देकर जा रहे हैं जो मेंबर यहां बैठे हैं कि जल्दबाजी में आपने F को क्या दे दिया होगा? क्रक्स, जबकि F को क्रक्स देने का राइट हमारे पास नहीं है। बिल्कुल अनुराधा गुप्ता सर, पॉसिबिलिटी बनी थी जी, वेरी गुड, जबकि यहां आप चार्ट उसकी वजह से कंप्लीट नहीं होगा, वेरी गुड, लाइक करते हैं इस चीज को। एक और नई चीज देखने को मिली, शोभित कुंडू जी, अब आप अगर ऐसे बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा सर, आपके लिए 5-5 पजल हमने तैयार किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, मेरा नहीं बना था, वेरी गुड। तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स को तुक्के में एग्जाम में ना करें, सही है। एफ सीबीजी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीबीजी वाले ऑलरेडी 3 आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्क्रीन जूम आउट कर दी जाए और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम दे दिया जाए। जल्दी से 1400 मेंबर जो देख रहे हैं उनको बता दें हम कि क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 8 मेंबर्स हैं जिनमें से फिर से 3 क्रिकेट, 3 बैडमिंटन और 2 हॉकी खेलते हैं। यू आर ग्रेट, थैंक यू। देखिए ये पॉइंट सिखाने की मेन वजह क्या थी सुन लीजिएगा, इससे पहले वाला जो था अनुराधा जी ने कैसे किया, अनुराधा जी ने कहा है पॉसिबिलिटी है, उन्होंने किया नहीं है सर, वेरी गुड। तो एक पॉइंट गलती से, हमारी गलती से आपको एक और पॉइंट सीखने को मिला कि तुक्के में वहां पर कोई चीज नहीं रखते हैं, सही है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 फोर्थ आप सॉल्व कर रहे हैं जो थोड़ा सा और ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। मिथुदास जी कि आपने सही किया। चेतन सिंह जी वो गलत किया है। रेशमा जी बोले कंफ्यूजिंग था, वेरी गुड। CBZ 4 होंगे हाँ, लेकिन कीर्ति गुप्ता जी वहां लिखा हुआ था मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन को। वो पॉइंट ही इसलिए रखा गया था जिससे कि कुछ आपको सीखने के लिए मिले। वो गलत हो गया था लेकिन फिर भी आपको सीखने को एक पॉइंट मिला कि तुक्के में कुछ भी मेंशन नहीं कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। जल्दी से फटाफट। आज 11th क्लास है, आज 11th डे चल रहा है और 5 पजल आपको एक ही सेशन में कोई नहीं कराता। आपकी रीजनिंग महागुरु इसलिए कराते हो कि आप इतना फेथ करते हैं, तो इतनी सारे क्वेश्चन कराने के लिए जो आपको सिखाने के लिए एक ही क्लास में टाइम चाहिए वो हमें देखना होता है। तो जल्दबाजी में कभी कभी आपसे भी मिस्टेक हो जाती है और कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट जो पीपीटीज में देखने को मिल जाते हैं वो हमसे मिल जाते हैं। तो कुछ नहीं, हम लोग सीखते हुए चलेंगे। उन सीखते हुए से मेन मोटिव ये रहेगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। हार्ड है सर ये पजल, ये बोल रहे हैं। पॉइंट 2 क्लियर नहीं है, पॉइंट 2 अभी क्लियर करते हैं। द टॉलेस्ट डज नॉट प्ले हॉकी, जो टॉलेस्ट है वो हॉकी नहीं खेलता है और शॉर्टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता है। तो जल्दी से रिमूव एरो, चलिए रिमूव एरो कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा आगे चलते हैं और दिखाते हैं पूरा क्वेश्चन फिर से। लीजिए एरो भी हटा दिया हमने, आपकी डिमांड और हम पूरा ना करें। शुभरा जी हो गया सर, दिख नहीं रहा, आप दिख रहा है, डन सर। भावना जी हम चाहते हैं हमारी टीम हमें शो करे स्क्रीन पर जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए सेकंड पॉइंट आप दिख रहे हैं, अब नजर आ रहा है। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ई इज टॉलर देन के एंड एच बट शॉर्टर देन ए एंड जे, सही है, शॉर्टर देन ए एंड जे। ये कंबाइंड है सर, ऐसे नहीं हो पाता मुझसे, स्वाति शाह जी बोल रही है। नो सर नॉट कंफ्यूजिंग, वेरी गुड। अगर विपिन साहू जी आपका हो गया है, अनुजा जी को हेलो किसी ने बोला है, एरो हटा दिया ब्रिजेश जी हमने। मोहित जी सर मेरी बात सुन लीजिए, बताइए मोहित जी। अमर किशोर जी, अनुराधा जी डन, वेरी गुड अनुराधा जी, सर आप ग्रेट हो, विपिन साहू जी बोल रहे हैं। जिन लोगों से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन आए उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। कैलाश जी आपका नाम ले लिया है। नुपुर जी वीडियोस IBPS RRB के लिए चल रही हैं और थोड़ी वीडियोस और बढ़ाएंगे। मोहम्मद आफ्ताब जी डी बोल रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए मोहम्मद जी हम, चलिए सॉल्व करें, डन 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 बोल रहे हैं आप, वेरी गुड। चलिए देखिए 8 मेंबर्स थे क्लास में, 3 उनमें से क्रिकेट पसंद करते हैं, लिख लेते साइड में। 3 क्रिकेट पसंद करते हैं, लिखा गया है 3 क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट, सही है, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ 3 बैडमिंटन पसंद करते हैं और रिमेनिंग 2 क्या पसंद करते हैं सर, लिखा हुआ है हॉकी पसंद करते हैं। इस पॉइंट को याद रख लेंगे आप, सही है, 3, 3, 2 ये ध्यान रखिएगा, सही है। पहला की पॉइंट ये लिख लीजिएगा, हमारे पास स्पेस कम होता है इसलिए हम इसको हटा रहे हैं, सही है, 3, 3, 2 आगे मूव करते हैं। पॉइंट को पढ़ना और सीधा इंप्लीमेंट करना ये एक आर्ट है। अब देखिए 8 मेंबर है, लिख लिया हमने 1 to 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सही। टॉलेस्ट वाला यहाँ, शॉर्टेस्ट वाला यहाँ, याद रखें। फर्स्ट नंबर सबसे टॉलेस्ट, 8 नंबर सबसे हाइट में सबसे कम, ठीक है। आगे चलते हैं, टॉलेस्ट क्या नहीं खेलता, हॉकी नहीं खेलता, ये हटा दिया। और जो शॉर्टर, जब से जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो क्या नहीं खेलता, वो क्रिकेट नहीं खेलता, सही है। जो टॉलेस्ट होगा याद रखिए, आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। टॉलेस्ट वाला क्या नहीं खेलेगा, हॉकी, और शॉर्टेस्ट वाला क्रिकेट नहीं खेलेगा। आगे चले, इस पॉइंट को पढ़िए, ई इज टॉलर देन के एंड एच बट शॉर्टर देन ए एंड जे। इसको स्टोर करना पड़ेगा, लिख नहीं सकते हम, याद रखिए चीजों को स्टोर करना सीखिए। राम सेवक वर्मा जी आपका नाम ले लिया, ठीक है। देखिए ई इज टॉलर देन के एंड एच, ई टॉलर है किससे, के से और एच से, पर एच पहले आएगा के पहले, नहीं पता, सही है। लेकिन शॉर्टर है ई किस किस से, ये भी मेंशन किया गया है, ए और जे से, ए पहले आएगा जे पहले आएगा, नहीं पता। आगे चलते हैं, आगे देखिए, जी हु डज नॉट प्ले क्रिकेट, जी क्रिकेट नहीं खेलता, इज टॉलर देन जे। देखिए जी डज नॉट प्ले क्रिकेट ये बोला गया, ये ध्यान रखेंगे तो हम, सही है। और बोला गया जी टॉलर है किससे, जे से, एंड इज सेकंड इन द टॉलेस्ट। अब देखिए जी सेकंड टॉलेस्ट है, क्रिकेट नहीं खेलता है, ये मेंशन किया गया है। और बोला गया है जी इज टॉलर देन, लिखा हुआ है जी इज हु डजंट प्ले क्रिकेट इज टॉलर देन जे। अब जे से भी टॉलर है, लेकिन ए से है या नहीं है ये भी नहीं बताया गया है। और सेकंड फ्रॉम द टॉलेस्ट है ये बता दिया गया। आगे मूव करें, नॉट डन, अभी आपने डन नहीं किया, हम डन करके बता दें। देखिए डी इज शॉर्टर देन एच बट टॉलर देन के, देखिए लिखा है डी शॉर्टर है एच से लेकिन टॉलर है के से। अब इस पॉइंट को देख लीजिए, डी शॉर्टर देन एच, डी किससे शॉर्टर है? एच से। डी शॉर्टर देन एच और टॉलर देन किससे? के से। लिखा हुआ है डी इज शॉर्टर देन एच, डी शॉर्टर है एच से एंड टॉलर देन के। तो हमने भी बना दिया, के को यहां से हटा दिया क्योंकि डी शॉर्टर देन एच है और टॉलर देन के है। तो ये 1 2 3 4 ये पॉइंट आ गए, ये ए हो गया, ये जी हो गया, जे हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है ए इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप इन द टॉलेस्ट, फोर्थ फ्रॉम द टॉप इन द टॉलेस्ट। और ए के बाद कौन आ जाएगा? ई, ई के बाद एच, डी के, ई एच डी के। तो लास्ट वाले तो बन गए, शुरू वाले देख लेते हैं। अब देखिए जी टॉलर था जे से, तो जी का जी तो ऑलरेडी था तो जे आ जाएगा यहां पर। और एक नाम जो बच गया वो देख लेते हैं, के जे आई एच जी ई डी ए। तो एक नंबर जो बच गया है वो कौन सा रह गया सर? वो रह गया आई। नाम तो पूरे बन गए, सीरीज तो पूरी बन गई, लेकिन कौन क्रिकेट खेलेगा, कौन हॉकी खेलेगा, कौन क्या खेलेगा वो नहीं पता, उसको देख लेते हैं अभी। देखिए लिखा है जी क्रिकेट नहीं खेलेगा, हमने लिख लिया था, टॉलर वगैरह हो गया है। ए हु इज फोर्थ फ्रॉम द टॉलेस्ट प्ले बैडमिंटन विद एच, मतलब ए बैडमिंटन खेलेगा, किसके साथ खेलेगा? एच के साथ। तो एच भी क्या खेलेगा? बैडमिंटन। अब बैडमिंटन वाले दो हैं या तीन है देखना पड़ेगा। तो देखिए लिखा है बैडमिंटन कितने लोग खेलते हैं? 3, तो भी एक और बचा है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है डी डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलेगा, तो डी क्या खेलेगा? बैडमिंटन। मतलब बैडमिंटन वाले तीनों पूरे हो गए हैं। अब जो क्रिकेट नहीं खेलेगा वो क्या खेलेगा सर? हॉकी खेलेगा। और जो हॉकी नहीं खेलेगा वो क्या खेलेगा सर? वो क्रिकेट खेलेगा। सही है। अब देखिए क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा? हॉकी खेलेगा। अब हॉकी वाले कितने मेंबर थे? लिखा हुआ है केवल 2 हॉकी खेलेंगे, तो हॉकी वाला एक ये हो गया, एक हॉकी वाला जी हो गया। तो बचा हुआ ये क्या आ जाएगा सर? ये क्रिकेट आ जाएगा। और इसमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ई भी क्या आएगा? ई भी क्रिकेट आएगा। सही है, क्योंकि क्रिकेट वाले 3 थे, बैडमिंटन वाले भी 3 और आपसे बोला गया था हॉकी वाले 2। ब्लड वाली पजल करवा दीजिए बबीता जी, ब्लड वाली पजल के लिए इससे अगली क्लास में मिलिए, कोशिश करेंगे ब्लड वाली पजल आपको कराएं। वेरी गुड, हो गया सॉल्व। किस किसने सही किए हम मार्क करें? अमर किशोर जी का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल सर, वेरी गुड, हो गया। ए एच डी बैडमिंटन, तो चेक कर लेते हैं, ए बैडमिंटन एच डी, वेरी गुड, आप सही बोल रहे हैं, ए एच डी बैडमिंटन। क्या आज की अंतिम पजल पर चला जाए, 5वीं पजल पर? आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट पजल? डन डन डन, हेमू डन, दीपिका डन, सर आप बबीता यादव जी बोलिए क्या बोलना है। आ गया सर, वेरी गुड, डन डन, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में प्री में आपके आएंगे। आपका नाम ले लीजिए, ये तो हमने कमेंट पढ़ लिया, आपका नाम नहीं पढ़ पाया क्योंकि बल्क में आंसर आ रहे हैं। जिनको सेशन पसंद आए लाइक करना ना भूले, क्योंकि एक प्रयास था आपको एक ही क्लास में 5 पजल कराने का। देखिए कोई नहीं करा था आज के टाइम में, सब वही पजल पजल पजल। जब आता है तो हम ही हैं जो 5 6 8 8 क्लास आपकी पजल की लेने के लिए तैयार है। तो पजल क्लास करेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, तो आपको बने रहना होगा। और आखिरी क्वेश्चन पर चलना होगा, जो आज का पजल का आखिरी क्वेश्चन होगा, जिसके आने के चांसेस फ्री में पूरे हैं। चले अगले क्वेश्चन पर। पसंद आए, अपने सर की मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूल, लाइक जरूर करें। सही है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस। अगले क्वेश्चन पर चले, मजा आ गया, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए आज का अगला क्वेश्चन जो फिर से पजल है। आप खुद बताइए, एक दिन में 5 पजल कहीं हो पाती हैं? किसी भी YouTube चैनल पर चले जाइए, कोई नहीं बनाता है ना। तो महेंद्रा गुरु ये ऐसा चैनल है जहां पर आपको इतनी चीजें दी जाती हैं, एक क्लास में 5 पजल, टाइम कोई वेस्ट नहीं। सही है, जहां पर गलत करने के बाद भी कुछ चीजें आपको सीखने को मिल जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए और क्वेश्चन आप सॉल्व करें, फिर हम ट्रिक से इसको सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। चलिए जल्दी से बताइए, स्क्रीन जूम कर दी जाए, हम चाहते हैं हमारी टीम इसको जूम कर दें जल्दी से। ऑसम, वेरी गुड। स्क्रीन को जूम आउट कर दिया जाए जिससे क्वेश्चन पूरा नजर आए। चलिए सॉल्व कीजिए। इसमें खाने पीने की भी बात हो रही है। 7 मेंबर 7 गेम और 7 डिशेस, 3 अलग अलग चीजें। अमित कुमार जी बोले सर आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू, नाइस। कुछ लोग बोले एसटी की पजल सर ले लीजिए। बिल्कुल सर एसटी की पजल भी लेंगे, टाइम मिलेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश पहले ये है जो एग्जाम से रिलेटेड काम है वो तो कर लें, है ना, वरना कैसे काम चलेगा भाई। आप कैसे हम बोल पाएंगे कि हमने अपने दिल से आपको जो पढ़ाया उसी में से एग्जाम से आएगा। चलिए करिए सॉल्व, टाइम देते हैं आपको। जल्दी सॉल्व कीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हिंदी वाले मेंबर, इंग्लिश वाले, हम अगले पेज पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। चलिए हमारी टीम हमें शो करे, यहाँ पर हम चाहते हैं हमें शो कर दिया जाए। ग्रेट सर। दिनेश परमार जी बोल रहे हैं गुड सर 100 ST 103 की बदल करा दीजिए। देखिए कुछ लोगों के जवाब देते हैं हम, ये करा दीजिए वो करा दीजिए, तो सही है, बिल्कुल सही है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, हमने कहा पोस्ट कीजिए हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इतना टाइम हमारे पास होना चाहिए। तो जब टाइम कम होगा तो क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा। जब टाइम कम होता है तो कोशिश ये की जाती है कि ऐसा क्वेश्चन कराए जाएं जो ज्यादा मेजॉरिटी के जो डाउट्स हैं उनको कवर करा ले। आज के 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे, मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन प्री में क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही तो आएगा, है ना। तो जब प्री से बाहर निकल कर आएंगे तब देखिएगा कैसी कैसी पजल आपको रीजनिंग में उड़ाते हैं। लेकिन अगर यहां पर हम प्रैक्टिस करें इतनी हाई लेवल की जो एग्जाम में आई ना उनका कोई फायदा नहीं है, सही है। हम तो आपको कैट लेवल की भी करा दे, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन पेपर भी तो होना चाहिए, है ना। एसओ का एग्जाम है तो कराया जाएगा, क्यों नहीं कराया जाएगा, सही है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए प्री लेवल की पजल के लिए। फिलहाल प्री के लिए क्लास चल रही थी जिससे कि एग्जाम में आया आप कहो सर हाँ हमने क्वेश्चन देखा था ऐसा और जल्दी से सॉल्व कर दिया, है ना। एग्री, कुछ लोग बोले सर वेरी एग्री। एग्री लेंदी है सर, देखिए कुछ लोगों के लिए लेंदी होता है, अगले मेंबर के लिए लगता है इजी है। अनुराधा जी का डन हो गया क्वेश्चन, दीपक जी का डन, मुकुल जी मॉडरेट, वेरी गुड, ये तो यही है सर इज ग्रेट। राकेश शर्मा जी बोल रहे हैं हिंदी क्वेश्चन लेकर भी सॉल्व करेंगे। काशफ जी, लेकिन पीपीटी तैयार करते वक्त इन चीजों का ध्यान हम अगली बार कोशिश करेंगे, हिंदी इंग्लिश साथ में लेकर चले। नाइस क्वेश्चन, डन। चले सॉल्यूशन पर। फिर आज कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो आपके आरआरबी के एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगी, सही है। करे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। फिर जब सेशन खत्म करेंगे तो आपको कुछ चीजें बताकर जाएंगे कि आज आपसे एक बार फिर से और जुड़ेंगे हम लोग, सही है। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए लिखा हुआ है, ये तो आपने देख लिया कि क्या क्या चीजें बोली गई हैं। 3 वेरिएबल पजल है, 7 मेंबर है, 8 है 7 इंटरनेशनल प्लेयर है। आपको कंडीशन दी गई है वो अलग अलग गेम खेलते हैं और अलग अलग क्या बोला गया डिश पसंद करते हैं, सही। 3 वेरिएबल कैसे जल्दी सॉल्व करें, पढ़ते पढ़ते ध्यान दीजिएगा। जो नॉर्मल हो उसको लिख ले, जो सही हो, जो क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन अधूरी हो उसको स्टोर कर ले, ठीक है। चले आगे चलते हैं। देखिए लिखा गया है राजू डज नॉट लाइक एग करी एंड बिरयानी, तो साइड में स्टोर कर लिया हमने। राजू को एग करी और बिरयानी क्या है नहीं पसंद है, सही है, ये कैंसिल कर दिया हमने, ठीक। ये साइड में स्टोर किया, लिखा नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए ये आपने पॉइंट सॉल्व कर लिया। अब लिखा राहुल इज ए प्लेयर ऑफ कैरम, हमने लिख लिया। पहला पॉइंट यहां मेंशन किया राहुल इज ए प्लेयर ऑफ कैरम, ये हमने फिक्स लिख लिया क्योंकि ये फिक्स इंफॉर्मेशन है। आगे लिखा हुआ है रहीम प्लेज बॉक्सिंग एंड लाइक शाही पनीर, तो रहीम आ गया, क्या पसंद करता है बॉक्सिंग, क्या खेलता है बॉक्सिंग, और कौन सी डिश पसंद करता है लिखा हुआ है शाही पनीर। तो इतना सिंपल सिंपल से तो लिखा गया है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। आगे चलते हैं। चेस प्लेयर लाइक फिश करी, चेस प्लेयर को क्या पसंद है फिश करी। तो देखिए फर्स्ट कैरम हो गया है, थर्ड वाला सेकंड बॉक्सिंग हो गया है। अब जो भी चेस खेलेगा उसको क्या पसंद होगा सर? फिश करी। सही है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है राकेश हु लाइक्स पिज्जा, राकेश को पिज्जा पसंद है। डज नॉट प्ले टेनिस। अब देखिए राकेश, राकेश लिखा है, राकेश लाइक्स पिज्जा और क्या नहीं खेलेगा? राकेश लिखा हुआ है, राकेश नहीं खेलेगा, मेंशन किया गया है राकेश डज नॉट प्ले टेनिस, मतलब यहां टेनिस नहीं आएगा सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजन लाइक्स पास्ता एंड इज ए बैडमिंटन प्लेयर, तो नॉर्मल पॉइंट। राजन लाइक्स पास्ता एंड बैडमिंटन प्लेयर है, वो बैडमिंटन प्लेयर और उसको क्या पसंद है? पास्ता। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बनते जा रहा है, बस इंफॉर्मेशन को कैरी करना है। पजलबाज ऑसम लिखा हुआ है आपने, वेरी गुड, थैंक यू। चलते हैं। द वन हु लाइक्स एग करी विल पार्टिसिपेट इन क्रिकेट। जो भी एग करी खाएगा वो किसमें पार्टिसिपेट करेगा? क्रिकेट में। ऊपर तो आ ही नहीं सकता कहीं, तो जो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करेगा वो क्या पसंद कर रहा होगा? एग करी, तो ये भी हमने लिख दिया। सही है, आगे देखिए। राजेश डज नॉट लाइक फिश करी एंड इज नॉट ए फुटबॉलर, तो इसको स्टोर करना होगा, ध्यान दें इस पॉइंट को स्टोर करेंगे हम, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं जो फिक्स कर दें। तो लिखा हुआ है, हम चाहते स्क्रीन जूम आउट कर दी जाए क्योंकि यहां पर जो लिख रहे हैं वो दिखेगा ही नहीं। हाँ आप देखिए, अब दिखाई देगा। लिखा हुआ है राजेश डज नॉट लाइक फिश करी एंड इज नॉट ए फुटबॉलर, हमने लिख लिया। राजेश को फिश करी नहीं पसंद और उसको फुटबॉलर भी नहीं है, वो एक फुटबॉलर भी नहीं है। सही है, आगे चलते हैं। तो आखिरी पॉइंट, रजनी डज नॉट लाइक बिरयानी बट प्ले टेनिस, तो रजनी क्या खेलती है? रजनी टेनिस खेलती है और उसको क्या पसंद नहीं है सर? बिरयानी। अगर बिरयानी यहां नहीं आएगा तो 1 2 3 4 5, तो बिरयानी कहां जाएगा सर? बिरयानी यहां आ जाएगा। और जो सेवंथ नाम बच गया उसको हम यहां लिख देंगे, देख लेते हैं क्या बच गया है। तो सेवंथ नाम देखिए, एग करी, फिश करी, बिरयानी, मटर पनीर, तो मटर पनीर नहीं हुआ है तो लास्ट में आ जाएगा मटर पनीर। सही है, मटर पनीर। अब देखिए रजनी यहां हो गया, टेनिस यहां हो गया, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस तो हट ही गया है, चेस, बॉक्सिंग, कैरम। अब 6 गेम हो गए, तो कौन सा एक गेम बचा है? तो देख सकते हैं आप, एक गेम बचेगा। आप देखिए लिखा हुआ कैरम, बैडमिंटन, चेस, फुटबॉल, तो एक गेम जो बचा है वो है फुटबॉल। सही है, और नाम देख लेते हैं। राहुल लिखा हुआ है, राहुल के बाद क्या था? रहीम था शायद, ये राहुल, रहीम, राकेश, राजन, रजनी, ये तो आ गए हैं। अब एक पॉइंट था, राजेश को फिश करी नहीं पसंद, तो राजेश अगर फिश करी पसंद नहीं करेगा तो राजेश कहां आ जाएगा सर? राजेश आ जाएगा यहां पर, और राजेश जैसे ही यहां पर आएगा तो एक मेंबर जो बचेगा उसका नाम लिख लेंगे हम, राजू, तो राजू आ जाएगा इस जगह पर। उम्मीद करते हैं चार्ट आपका बन गया होगा। हम चाहते हैं हमें स्क्रीन पर शो कर दिया जाए। यस सर, सुपर से भी ऊपर, थैंक यू। स्क्रीन पर हमें शो कर दिया जाए, माई टीम, हम चाहते हैं हमें शो कर दिया जाए। लंच टाइम, राजेश फुटबॉल, बिल्कुल, आई एम राइट प्रशांत, वेरी गुड, डन। देखिए पहले तो जो आपके कमेंट आते हैं वो हम लेते हैं, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर आपके कमेंट लिए जाते हो। ठीक है, आप कहीं पर भी चले जाइए, आपके कमेंट लेने के बाद उनको सॉल्व करना, आपके सामने रखना, आपके हर एक प्रश्न का जवाब देना, और ऐसे क्वेश्चन लेकर आना जो एग्जाम में वैल्यू रखते हो। ये आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है, ऐसी चीजों को लेकर आना जो आपके सामने रखी जाए। तो बिल्कुल आपको डिशेज पसंद आई, आज का सेशन पसंद आया, उम्मीद करते हैं हम। आप लाइक करना ना भूलें। 5 आज की पजल थी, आज 5 पजल कराई गई थी एक ही क्लास में, 5 पजल, जिसमें से एक गलत थी, लेकिन फिर भी आपको उसने ऐसी चीज दिखाई जो ब्रह्मास्त्र का काम करेगी कि गलत होने के बाद जब क्वेश्चन गलत हो जाए, ये क्वेश्चन करते वक्त कुछ भी चीज डाउट वाली एग्जाम में नहीं रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का समझाया होगा सेशन आपको शानदार लगेगा, पसंद आएगा, और ये जो 5 पजल एक क्लास में कराने का प्रयास था वो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं प्री में एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पजल देखने को मिले। कहीं आपने देखा लेंदी थी, कहीं आपने देखा ट्रिकी थी, कहीं आपने देखा 4 वेरिएबल थे, 4 वेरिएबल थे कि नाम भी, सब चीजें मैनेज करो। तो वो सारी चीजें हम कब लाएंगे? जब अपना प्यार आप यहाँ शो करेंगे कि हाँ सर अच्छी क्लास लगी, मजा आया, गजब था। वरना हर बार हमें भी क्या करना पड़ेगा? इनइक्वालिटी, कोडिंग, स्लॉग्स, ये पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं एग्जाम आपका क्रैक हो, वो क्रैक कब होगा? जब सिटिंग पजल इनपुट आउटपुट सब आपको पढ़ाया जाएगा। सही है? तो बिल्कुल हम जुड़ेंगे फिर से परसों आपके साथ और फिर एक नया सेशन लेकर आएंगे। फिर कोशिश करेंगे और 4 से 5 पजल लेकर आए जो आपको एग्जाम पे सही करने के लिए मजबूर कर दे। सेशन आपको कैसा लगा वो आपके कमेंट बता रहे हैं कि आपको बहुत मजा आया। लाइक करना ना भूले, जरूर लाइक करें अगर पसंद आया है तो। क्या आज की क्लास आपको अच्छी लगी, फैंटाबुलस लगी, कैसी लगी वो आप यहाँ पर जरूर मेंशन करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको सेशन कैसा लगा। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे और उम्मीद करेंगे आपके कमेंट के साथ साथ हम भी आपको ऐसे ही चीजें और आगे प्रोवाइड करते रहें। लेवल क्या चाहिए वो आप बताइए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।